डीवी लैब असिस्टेंट राजस्थान 2022। तो दस्तावेज सत्यापन लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक इसमें पद निकले हुए हैं और दस्तावेज सत्यापन का काम शीघ्र शुरू हो रहा है। तो कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए आवश्यक हैं देख लेते हैं। सबसे पहले विस्तृत आवेदन पत्र ये SSOID से आपको भरना है और साथ में एक रसीद भी फीस की प्रिंट करनी है। तो विस्तृत आवेदन पत्र SSOID से भर लेंगे और फीस की रसीद जो है वो प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद मूल आवेदन पत्र जो आपने शुरू में भरा था, मूल आवेदन पत्र। दस्तावेज सत्यापन क्या होता है? जो मूल आवेदन पत्र में आपने सूचना दी थी उसका मूल दस्तावेजों से मिलान, उन सारी सूचनाओं का अब सत्यापन किया जाएगा। तो मूल आवेदन पत्र की प्रति अगर है तो ठीक, नहीं तो दोबारा आप डाउनलोड कर लें। इसके बाद 10वीं की अंक तालिका, मय प्रमाण पत्र अगर साथ में है तो ठीक है, नहीं तो दोनों अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग ले जाए। इसके बाद 12वीं की अंक तालिका, मय प्रमाण पत्र, इसमें चार प्रकार के पद निकले हैं आपके। प्रयोगशाला सहायक के लिए तीन विषय जो विज्ञप्ति में अनिवार्य बताए गए हैं, 5-6 विषय हैं जिसमें केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, फिजिक्स वगैरह अन्य जो भी है। तो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए वो एक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का पद निकला हुआ है। तो जो पहला पद है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, उसमें तीन विषय आपके अनिवार्य होने चाहिए। और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए विज्ञान में 10+2 होने चाहिए और प्रयोगशाला भूगोल के लिए भूगोल विषय होना चाहिए और प्रयोगशाला गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान विषय होना चाहिए। तो ये चार प्रकार की अंक तालिका है। जो भी पद आपने भरा है वो 10+2 की मार्कशीट ले जाए। इसके बाद मूल निवास, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र में आपके OBC, SC, ST और ये जातियां जो है वो आती हैं। ये प्रमाण पत्र कब तक वैलिड होते हैं इसके मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख लें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। EWS प्रमाण पत्र अगर इसका फायदा लिया है तो ये भी लेके जाना है, इसका भी वीडियो बना हुआ है। TSP प्रमाण पत्र अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण पत्र विशेष अगर आपने लाभ लिया है। इसके बाद 2.5 लाख से कम आय वाला प्रमाण पत्र यदि आपने फीस में छूट ले रखी है। दिव्यांग का प्रमाण पत्र यदि आपने लाभ लिया है। विवाह प्रमाण पत्र सभी को लेके जाना है जो विवाहित हैं। इसके अलावा विधवा परित्यक्ता का लाभ लिया है तो उनका प्रमाण पत्र। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम संस्था का रेगुलर कैंडिडेट है तो उसको लेके जाएं, प्राप्त कर लें आप। इसके बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराने नहीं हो और गजटेड या प्रथम श्रेणी के बनाए हुए हो और आपका रिश्तेदार नहीं हो। रिश्तेदार के नहीं लेके जाने, स्पष्ट लिखा है रिश्तेदार नहीं और 6 माह से ज्यादा पुराने भी नहीं हो। 2 ये लेके जाने, 1 अंतिम संस्था का लेके जाना है, तो 3 हो गए। इसके अलावा खेल प्रमाण पत्र का लाभ लिया है
उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में 2% राजस्थान में कोटा है उत्कृष्ट खिलाड़ी का। उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन सा है जिसने अंतरराष्ट्रीय संस्था में अंतरराष्ट्रीय गेम में भाग लिया हो, तो वो खिलाड़ी उत्कृष्ट कोटे में आते हैं, तो उनका प्रमाण पत्र आपके पास है, तो 2% सीट आपके लिए रखी हुई है, लेकिन वो संबंधित कैटेगरी से ही भरी जाएगी। एनओसी यदि पूर्व में आप कार्यरत हैं, पूर्व में आप कार्यरत है सरकारी कार्मिक हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां से ले लें। इसके अलावा यदि आपसे कोई त्रुटि हो गई है, उसमें आप संशोधन करवा रहे हैं और प्रमाण पत्र जो मैंने बताया कि 3 वर्ष तक चलते हैं, 1 वर्ष मान्य होता है और उसके बाद 2 वर्ष एफिडेविट लगता है, तो आपने आवेदन की तिथि के बाद अगर प्रमाण पत्र बनाया है, हालांकि उसकी कार्मिक विभाग ने छूट दे रखी है, लेकिन एफिडेविट देना पड़ेगा, तो वो एफिडेविट भी आप बना लें। कोई आपके जो प्रमाण पत्र हैं शैक्षिक हाँ या अन्य हो, उसमें कोई त्रुटि है जिसको बाद में आप सुधार लेंगे, तो उसका भी आपको एफिडेविट देना है। तो ये सारे शपथ पत्र जो आप पे लागू हैं, इसके अलावा संतान धूम्रपान दहेज आदि के शपथ पत्र भी नियमानुसार लगते हैं। समय की एक आईडी आपके पास हो जिसमें पासपोर्ट आधार कार्ड पैन कार्ड आदि संभव है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में आप फोटो लेके जाएं और अन्य दस्तावेज, अन्य में यदि जिसका लाभ लिया है आपने चयन में, जिस दस्तावेज का आपने लाभ लिया है वो दस्तावेज भी आपको बना के लेके जाना है। यदि ये प्रयास उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।